हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूँ सबानों से देखे। जिला बुलंदशहर में एक रेप पीड़िता ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता के परिजनों का दावा है कि रेप का आरोपी फैसले के लिए दबाव बना रहा था। कल उसने फैसला ना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल 4 माह पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ रेप हुआ था, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। हालत देखते हुए डॉक्टरों ने पीड़िता को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी जेल में है और मामले की पुनः गंभीरता से जांच कर फिर से कार्रवाई की जाएगी। ये जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। उम्र कितनी है? 14 साल की। 14-15 साल करीब। नहीं, मामला क्या बनाया इसका? ये पहले रेप केस हो गया था, मतलब पकड़ी गई थी लड़की जो। पानी डॉक्टर क्या करा? पानी मैंने करे आग लगा। पानी दे दो, मैं सांस ले। गरम पानी दे दो, थोड़ा गरम पानी करके दे दो। डॉक्टर से पूछ के दे। गरम कायरोन रख, डॉक्टर है कहाँ? पूछ लेना गरम पानी। ये क्या मैं कर रही? भैया आप लोग कहाँ से हो? सिद्धनगला से। ये जो क्या मामला है ये? जी पहले रेप केसेस हुआ था, तो उसमें हम वो बोल रहे थे फैसला कर लो, हमने मना कर दिया, हम फैसला नहीं करेंगे। तो उन्होंने धमकी दिया कल के, लड़की ये मार दो तो फैसला हो जाएगा। कौन लोग थे वो? कुछ हमारे गांव के मिले हुए हैं, कुछ धामे के मिले हुए हैं, एरिया है और हमारे गांव के जाटवन में। कुछ नाम वगैरह है उन लोगों के? नाम वगैरह है। क्या क्या नाम है उनके? जी उसके पिताजी का नाम है जसमंत और गांव का नाम है बहोरी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है, लड़के भाई। अब यहाँ अस्पताल पर लाए हो? अस्पताल पे जो इनको कुछ ट्रीटमेंट मिला है कि नहीं मिला? जी नहीं, पहले थाने ले गए, थाने से यहाँ लेके आए, यहाँ पे क्रीम दे गई है कुछ लगाने के लिए, क्रीम दे के वो चले गए। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? यहाँ कुछ नहीं होगा, कि एम्बुलेंस से ले जाएंगे। पानी मत है ना इनको। ये वाला पूरा जो है, पूरा क्या मामला है? पूरा ये होगा पूरा मामला, इसमें पहले रेप केस हुआ था, लड़की जो मतलब 3-4 दिन एक मैं या जवान बंद करके रखी थी, उसमें हमने रिपोर्ट फोर्ट करके डाली। हमारे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, वो डेली थाने जाते, डेली आना जाना उनका, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें बोले कि वहाँ से ऊपर से रिपोर्ट आएगी या वो आएगी, अभी तो उसमें कोई ना पकड़ा गया ना कोई कुछ भी हुआ है। तो आपका नाम क्या है? से कुछ आदमी आए थे कि उसमें फैसला कर लो, जो बात हुई थी तो हमारे पिताजी ने फैसला नहीं हुआ कि अभी पहले रिपोर्ट फोर्ट करवाएंगे, थाने भिजवाएंगे उन्हें, लेकिन कोई था नहीं। फिर उन्होंने कुछ सलाह मिलाई हमारे गांव को, उन्होंने कभी लड़की को ख़त्म कर दिया, आग लगा दे, कैसे भी क्या फैसला हो जाएगा कि लड़की बयान नहीं दे पाएगा आगे वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। आप इनके कौन लगते हो? भाई के? भाई हो। तो ये आग जो लगाई है, ये लगाई किसने है? जी ये नहीं पता किसने लगाई, घर पर रिश्तेदार आए हुए हैं, वहाँ पर दूसरे घर गए हैं। मट्टी का तेल है जो घर में, हमारे पूरे गांव में किसी घर में मट्टी का तेल नहीं मिलेगा। और लड़की को टॉर्चर किया गया, धमका दिया जा रहा है, अत्यधिक मार देंगे, वो कर देंगे, कई दिन हो गए, लड़की खुद दर दर कर रही है। आत्महत्या का प्रयास किया है, क्या पूरा मामला? देखिए, दिनांक 15-8-20 को रेप की एक सूचना सिद्धनगला थाना जहांगीराबाद में दर्ज कराई गई थी, जिसमें अभियुक्त को उसी दिन मौके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव का रहने वाला है, लेकिन घटनास्थल वाले गांव में वो आम से बात की रखवाली करने के लिए आया हुआ था। अब आज की तारीख तक अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। आरोप ये है आज जो घटना हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में कि लड़के का एक चाचा संजय है और उस संजय का एक साथी पीड़िता के गांव का है, जिसके बाप की रखवाली काम करता था। आरोप लगाया जा रहा है कि ये दोनों समझौते के लिए कल शाम को उसको दबाव बना रहे थे और उस परिस्थिति में, तनाव की स्थिति में लड़की के द्वारा आग लगा करके घर के अंदर सुसाइड का प्रयास किया गया। फिलहाल लड़की इलाज के लिए रेफर कर दी गई है, इलाज किया जा रहा है, पूर्व प्रकरण की जाँच हम कर रहे हैं और जिन लोगों पर आरोप दबाव बनाने का है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए। घटना है कब की और आरोपी दबंग क्या? आरोपी जो है उस गांव में आम से बाघ की रखवाली करता था, 7 किलोमीटर दूर उसका घर है और जिस व्यक्ति के बाघ की रखवाली करता था, आरोप उस व्यक्ति के खिलाफ और आरोपी के चाचा के खिलाफ है। ये दोनों क्योंकि अभियुक्त लगातार तब से जेल में है 15 अगस्त से, तो उसकी जमानत हो जाए इसलिए दबाव बना है, लेकिन फिलहाल इस संबंध में कोई सूचना दबाव के संबंध में पुलिस ने नहीं थी, लेकिन आज जानकारी मिली है उसमें हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। धन्यवाद, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।